सबको तो यूं ही लगता है कि हम दब्बू किस्म के इंसान हैं, डरते हैं तुम्हारी मामी से। नहीं बेटा, डरते नहीं हैं हम, सहते हैं। हमारी इसी सहनशीलता की वजह से घर में खुशियां बनी हुई हैं। अगर हमने भी पलट कर जवाब देना शुरू कर दिया ना, तो ये घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाएगा। तुम तो जानती हो ना बेटे अपनी मामी के स्वभाव को। तुम्हें लगता है कि जोर जबरदस्ती करके उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है? नहीं बेटा, कभी नहीं। पता नहीं किन परिस्थितियों से, किन कारणों से तुलसीदास जी ने लिखा कि नारी ताड़न की अधिकारी, लेकिन वो गलत है बेटा। औरत उस बालू रेत की तरह होती है जिसे आप जितना ज्यादा मुट्ठी में कसोगे वो उतनी ही फिसलते चले जाएगी। इसलिए छोड़ दिए हम तुम्हारी मामी को, करे जितनी मनमानी करना चाहे, पर हमारा भी एक वचन है बेटा। तुम्हारी मामी की कर्कशता तुम तक पहुंचे उससे पहले उसे हमसे टकराना होगा, हमसे होकर गुजरना होगा। वचन है तुम दोनों से।